शाहिद कपूर वर्सेस रणवीर कपूर टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज। शाहिद कपूर की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है बत्ती गुल मीटर चालू, जिसने 55 करोड़ के बजट से 57 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वही रणवीर कपूर की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है रॉक स्टार, जिसने 55 करोड़ के बजट से 106 करोड़ रुपए कमाए थे। तो पॉइंट रणवीर कपूर को मिलता है। शाहिद कपूर की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो, जिसने 45 करोड़ के बजट से 63 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं रणवीर कपूर की 9वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है तमाशा, जिसने 85 करोड़ के बजट से 135 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो फिर से पॉइंट रणवीर को मिलता है। शाहिद कपूर की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है कामिनी, जिसका बजट था 35 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 70 करोड़ का। तो वही रणवीर कपूर की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है राजनीति, जिसका बजट था 60 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 146 करोड़ का। शाहिद कपूर की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है शानदार, जिसने 70 करोड़ के बजट से 75 करोड़ रुपए कमाए थे। वही रणवीर कपूर की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है बर्फी, जिसने 40 करोड़ के बजट से 178 करोड़ रुपए कमाए थे। तो पॉइंट रणवीर कपूर को मिलता है। शाहिद कपूर की 6ठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है हैदर, जिसका बजट था 48 करोड़ और इसने 87 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं रणवीर कपूर की 6ठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है तू झूठी में मक्का, जिसका बजट 100 करोड़ और इसने 220 करोड़ का कलेक्शन किया था। पॉइंट रणवीर कपूर को मिलता है। शाहिद कपूर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है उड़ता पंजाब, जिसने 48 करोड़ के बजट से 97 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं रणवीर कपूर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है ए दिल है मुश्किल, जिसने 75 करोड़ के बजट से 240 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। शाहिद कपूर की 4थी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है आर राजकुमार, जिसने 60 करोड़ के बजट से 102 करोड़ रुपए कमाए थे। तो वही रणवीर कपूर की 4थी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ये जवानी है दीवानी, जिसने 75 करोड़ के बजट से 320 करोड़ रुपए कमाए थे। तो पॉइंट रणवीर कपूर को मिलता है। शाहिद कपूर की 3री सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसका बजट था 65 करोड़ और इसने 142 करोड़। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।